अरविंद केजरीवाल पर अजय माकन का बड़ा हमला। क्या वोट कटवा नहीं सीट कटवा पार्टी है आप? लोकसभा चुनाव अभी भले ही दूर हो लेकिन राजधानी दिल्ली में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है। तमाम दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। हाल ही में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को न सिर्फ वोट कटवा पार्टी कह दिया बल्कि दिल्ली वालों से कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील की थी, लेकिन अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने आप पर पलटवार किया है। दरअसल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख अजय माकन ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस को वोट कटवा पार्टी कहे जाने से नाराज माकन ने कहा कि आम आदमी पार्टी वोट कटवा नहीं बल्कि सीट कटवा पार्टी है। उन्होंने कहा कि आप अगर सीट जीत भी जाए तो उनका कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है, जबकि कांग्रेस दिल्ली में सीट जीतती है तो उससे राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं बनती हैं। केजरीवाल की पार्टी को निशाने पर लेते हुए अजय माकन ने कहा कि अगर आप दिल्ली में एक या दो सीटें जीत भी जाएं, तो इस बात की कौन जिम्मेदारी लेगा कि बिहार के नीतीश कुमार की तरह कल को वही सांसद नरेंद्र मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाने में न जुट जाए। इस दौरान माकन ने केजरीवाल के उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी फॉर पीएम और केजरी फॉर सीएम। उधर आपके अलावा कांग्रेस बीजेपी पर भी हमलावर है। हाल ही में सीलिंग के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान माकन ने कहा था कि पिछले चार साल से लगातार बीजेपी और आरएसएस से अगर कोई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप वोट कटवा पार्टी को वोट न दे, अपना वोट कांग्रेस पार्टी को देकर राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं। अब दिल्ली में नेताओं की बयानबाजी का ये आलम तब है जब चुनाव के होने में अभी करीब 6 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव करीब आने के साथ नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।